हाँ ना, अब बच्चों देखो यूज ऑफ हैव एंड हैज इन परफेक्ट हम इसमें यूज करेंगे। कैसे हम इसको यूज करेंगे? परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज, लैटिन एक लैंग्वेज है, भाषा है, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है काम पूरा होना या कोई भी एक्शन का पूरा होना। तो अब हमने इसको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया है? आई हैव बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा है, एक्शन पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है, उसने कैमरा खरीद लिया है। जब काम पूरा हो गया है, जब हम तुम ऐसे वाक्य हिंदी में बोलते हो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से करोगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बाय बॉट बॉट। बॉट थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम इसमें, और हैव तो आई हैव बॉट अ कैमरा। अब दूसरा है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, काम पूरा हो गया है उनका। तो हम यहाँ पर फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हैव फिनिश्ड, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने के लिए हम दे यूज कर रहे हैं। इट हैज ग्रोन, इट हमने बोला है यहाँ पर पौधा के लिए, ये बढ़ गया है, छोटा सा पौधा था वो अब बढ़ गया है। अगर तो अगर इंग्लिश में उसको बोलना है तो हम बोलेंगे इट हैज ग्रोन, ये बढ़ गया है। ही हैज फिनिश्ड हिज लेसन, ही के लिए यहां पर लड़का है वो, उसने उसने हम बोलेंगे उसने अपना पाठ पूरा कर लिया है, उसने अपना पाठ पूरा कर लिया है। अगला है आई हैव लॉस्ट माई फोन, मेरा फोन गुम गया है, मतलब मेरे ये पक्का है कि फोन जो है वो गुम गया है, एक्शन हो गया है, फोन गुम चुका है। तो हम यहां पर बोलेंगे लॉस्ट, लॉस्ट भी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। नेक्स्ट सिक्स्थ, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट, अभी यहां पर हमने नेगेटिव वाक्य का प्रयोग किया है नॉट लगा करके, इसका अर्थ है मैंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, नहीं के लिए हम नॉट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वाक्य है। अब हम इसमें कैसे यूज करेंगे? आई हैव के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट, येट माने अभी तक, येट माने अभी तक। अगला है ही हैज नॉट सीन हिम फॉर लास्ट 6 मंथ्स, हैज सीन थर्ड फॉर्म है सीन, उसके बीच में नॉट आ रहा है, इसका अर्थ है उसने पिछले 6 महीने से उसे नहीं देखा है। अब ये है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम मेरे माता पिता से मिले हो? अगर ऐसा है तुम, यू, तुम क्या है? यू, यू के साथ हमने पहले ही पढ़ लिया क्या हैव का इस्तेमाल होता है, तो हम हैव से शुरू करेंगे। हैव यू मिले हो, थर्ड फॉर्म मेट माई पेरेंट्स, हैव यू मेट माई पेरेंट्स। अब इसी में यहां पर देखो नाइन्थ वाक्य है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो है एक और वाक्य है, क्या उसने पैसा हस्तांतरित कर दिया है, क्या उसने पैसा हस्तांतरित कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे उसने, उसने के लिए हैज इस्तेमाल होता है, सिंगुलर पर्सन हैज यूज करेंगे। हैज ही ट्रांसफर्ड, थर्ड फॉर्म है ट्रांसफर्ड, ईडी लगा है, ट्रांसफर्ड द मनी। अगर मेरा लैपटॉप किसके पास है, किसके वर्ड जहां पर आता है उसके लिए हु आएगा, तो पहले हम हु से यूज शुरू करेंगे वाक्य को, हैज से ही नहीं शुरू करेंगे, हु से। हु हैज माई लैपटॉप, किसके पास मेरा लैपटॉप है। अब मैं आशा करती हूं कि ये तुम्हें हैव और हैज का प्रयोग 3 तरीके से मैंने 3 दिन 3 बार बता दिया है अलग अलग वाक्यों से, तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करो और लर्न करो, अगली बार हम हैड का प्रयोग पढ़ेंगे।